मैं खुशबू और आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, स्पेशल फॉर गर्ल्स जिनको बिगिनर्स के लिए लेकर आई, जिन्हें मेकअप करना नहीं आता। जो मुझसे एक बार मुझे लास्ट वीडियो में पूछा था कि मेकअप क्या, प्लीज़ वीडियो बनाओ, मुझे इंस्टाग्राम पे आए कि आप अपना मेकअप कैसे करते हैं, आप प्लीज़ अपना एक वीडियो बनाइए। तो मैंने ही आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें कईयों को होता है मेकअप बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। इससे मेकअप काला नहीं पड़ेगा, मेकअप कैसे किया जाए और कौन से प्रोडक्ट यूज़ में लिए जाएँ जिससे मेकअप काला ना पड़े, हर चीज़ के लिए, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरा वीडियो एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लेती हूँ। हर सांस पे नाम तेरा। सबसे पहले हम ये एलोवेरा क्लिजिंग मिल्क है ये कर लें। उसके बाद हम पहले सबसे पहले काम करते हैं, पहले हम चिल्क का कोई भी वाइट पेपर हो उससे अपना फेस किसी से भी अपना फेस क्लीन कर लें। हम करेंगे खुदे से हम थोड़ा सा एलोवेरा क्लिजिंग मिल्क है ये, इसको हल्का सा बहुत थोड़ा सा हम लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा पहले क्लिजिंग मिल्क से अपने फेस को ये हमारे पोर्स को ओपन करता है और बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, हर स्किन का सूट करेगा, ऑयली ड्राई ऑल टाइप स्किन। उसके बाद आयो का मॉइस्चराइजर फेवरेट, बहुत थोड़ा सा यूज करना है। उप्स, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो अपने हाथों को कर लें। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, 2 मिनट्स। दो प्रोडक्ट सुपर थे, सॉरी। उसके बाद हम करेंगे, हम दो बहुत ज़्यादा है समर में स्किन बहुत स्क्रचिंग होता है, तो उसके कारण हमारी स्किन बहुत जल्दी डार्क पड़ जाती है, या फिर मेकअप होता है कि स्किन में बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है और सन से बहुत जल्दी चेहरा काला पड़ जाता है, टैनिंग आ जाती है, टैन आ जाता है। उसके लिए हम सनस्क्रीन लगाएं, ये अमेरिका एटीट्यूड सनस्क्रीन SPF 30, उसका लिटिल बिट
फिर हम लेंगे लैक्मे का सनस्क्रीन SPF 50, दोनों को मिक्स करेंगे बिल्कुल थोड़ा, दोनों को मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं स्किन शाइन। अब हम करेंगे सबसे पहले क्रायलॉन का, ये है बेस से हम जहाँ को आपको लगे स्किन डार्क डार्क है आप वहाँ पे जो स्पॉट है, और हम चाहें तो एक सेकंड, आप चाहें तो ब्रश से कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पंज से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे अपनी फिंगर्स से बेस्ट कोई ऑप्शन लगता नहीं है, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चराइज अपने हैंड्स में होता है सबसे बेस्ट होता है, ये अच्छे से अपने स्किन में से फिट मी का है, बट ये मैं ज़्यादा विंटर्स में काम में लेती हूँ, क्योंकि अभी वैसे गर्मियाँ हैं और लिक्विड बाहर आता है। सो ये कंसीलर तो तभी मैंने वो यूज़ कर लिया है क्रीमी। अब मैं लूँगी मेकअप स्टूडियो का, इसको हम टिक टिक करके पूरे को लगाएंगे। बस सफिशिएंट है, इसको पूरी स्किन में ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। देख रहे हैं आप, अब हम करेंगे हल्का सा हेलो
एक बार मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, उसे मैं करती हूँ कॉल बैक। हाँ कॉल आ गया था, सॉरी फॉर दैट, बट इट्स अर्जेंट, आई कांट इग्नोर। नो मेरा फील हम लगाएंगे ये, हमें अब लाइनर लगाएंगे हम वैक्स टू। बिल्कुल लाइट लाइनर लगाया मैंने, कोई सौदा नहीं कर रहा है करके लगने के लिए नहीं। अब हम करेंगे आई मेकअप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम लाइट मेकअप कर रहे हैं। और चलो हम कल बेस बनाते हैं, हम क्या करें क्या करें क्या करें। पैलेट में वेयर इज माय सेकंड पैलेट, आई हैव सो मेनी पैलेट्स, दिस वन ग्लाम 21 एचडी, दिस वन ये मुझे गिफ्टेड है,
हल्का से चीनी ये डालूं डन। अब हम करेंगे पहले हम क्या करते हैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ग्लू हमारा ये भी हो गया। अब हम करेंगे लिपस्टिक थोड़ा सा। हम वैसे मेरी स्किन को कंट्रोल एक्चुअली उतनी बड़ा है नहीं, बट मेरे फीचर्स बहुत शार्प हैं, लाइक तो मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी अगर थोड़ा सा हम करना चाहें तो आप लगाएंगे हम लिपस्टिक। Lighter.
लॉरेल पेरिस का हम लगाएंगे हाइलाइटर, बहुत कम। माई फेवरेट ब्लशर, ये बात थोड़ा सा ही लगाना होता है हमें। एक सेकेंड, अब हम करेंगे अब आई इयररिंग्स, तो इयररिंग्स हम मुझे आई थिंक मुझे ब्लैक ईयर करना चाहिए, पार्टी लुक है कि बहुत ही तो ये मेरा फाइनल मेकअप लुक है। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये केक नहीं हो रहा है और ज़्यादा मच नहीं हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बहुत लाइट मेकअप किया है। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो बनाती रहूँगी बहुत अच्छे अच्छे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।